इंडियन रिवर, हम उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, इसलिए आप इस रिवर में वॉक कर सकते हैं। ये देखें आप इसकी साइज, आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा कि क्या मैसिव ये चीज़ है। लो जी, हम ये एंटर हो चुके हैं शिप में, वो इस दरवाजे से एंटर हुए हैं। सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, इनके बार्स हैं। दिस इज जिम, वाओ, दिस इज द बिग जिम। साढ़े 5,000 लोग एक शिप पे इकट्ठे होंगे, ऐसी रश होगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं जी डॉक्टर नोमी। तो अफजल भाई, क्या हाल चाल है आपका? तो बस जी, जा रहे हैं जी हम क्रूज़ पे, और अभी ट्रैवल कर रहे हैं ऑरलैंडो से। ये एक घंटा दूर है पोर्ट कैनेवरल, यहाँ पे कोको बीच भी है, वो भी आपको दिखाते हैं किसी टाइम। लेकिन ये कि इस वक्त हम क्रूज़ पे जा रहे हैं, हम जा यहाँ से रहे हैं अमेरिका से बहामास, और ये 3 दिन का क्रूज़ है। ये हम सोमवार की सुबह वापस आएंगे, आज ये चलेगा शाम को 5 बजे बहामास, रात को पहुँचेगा। कल हम बहामास का एक आइलैंड फिरेंगे, और उसके बाद जो है हम मतलब वो फिर रात को चल, सारा दिन आपके पास वो टाइम होता है शहर फिरने के लिए, मुल्क फिरने के लिए, और रात के टाइम जो है वो हम लोग शिप में आ जाएंगे। 5 बजे शिप चल पड़ेगा, पूरी रात फिर चलेगा, फिर अगले दिन संडे को एक और आइलैंड पे रुकेगा बहामास के, और फिर उसके बाद हम वापस आएंगे। तो अभी मैंने कहा आपसे इस्लाम करें, आपको ये दिखाते हैं, ये भी एक ज़िंदगी का तमाशा है, जो कर सकता है वो उसको करना चाहिए। तो ये अब मैं आपको पोर्ट कैनेवरल दिखाता हूँ। तो ये अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ शिपों के पास पहुँच रहे हैं हम। ये अभी लेफ्ट साइड पे डिज्नी का शिप खड़ा है, लेकिन आज हम डिज्नी पे नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं रॉयल कैरेबियन पे। रिवर, हम उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, और ये रिवर गहरा नहीं है, सिर्फ 3 फुट 4 फुट, और दरमियान में सिर्फ जहाँ पे बोट्स गुजरती हैं वहाँ पे आगे 6 या 7 फुट होता है। और अगर आप इस साइड से देखें तो ये एक्चुअली आप इस रिवर में वॉक कर सकते हैं। तो पुराने ज़माने में लोग जी ये जो रेड इंडियंस थे वो घोड़ों के साथ इस रिवर में गुजरा करते थे। ये अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो आपको शिप शायद नज़र आ रहा हो, ये डिज्नी का क्रूज़ है। ये सारे आज शाम को 5 बजे के करीब सब इकट्ठे निकलेंगे, और आगे पीछे चलते हैं। और उसमें भी जो मुझे पता है कि ये करीब चलने में जो है ये कि अगर कोई एमरजेंसी हो जाए किसी एक शिप को, तो उसमें यह कि आप आसपास होते हैं, एक दूसरे की प्रोटेक्शन होती है। ये बाकी लोगों की प्राइवेट बोट्स खड़ी हैं जी, इसको कहते हैं मरीना, जहाँ पे सारी बोटें खड़ी होती हैं लोग अपना, यहाँ क्योंकि फ्लोरिडा है पूरा पानी का काम, तो यहाँ पे लोगों ने अपनी कश्तियाँ रखी। ये पार्किंग में यहाँ पे लाइन में लगी हुई है, हजारों की तादाद में लोग हैं जी इस शिप के ऊपर, और वो हर बंदा गाड़ी पे आ रहा होता है। तो हम जी अब पहुंच चुके हैं, पार्किंग इवेंचुअली मिल गई हमें, और अब ये 5,500 लोग हैं जी इस शिप पे, वो फिर वो हज़ारों की तादाद में गाड़ियां तो होंगी। लो जी, क्रूज टर्मिनल हम एंटर हो रहे हैं। ये तो लिखा हुआ यहाँ पे कैमरा चलाना मना है, ये तो बुरी बात है। हाँ जी, आ जाओ रास्ते पे, इधर से आ जाएं जी।
वेलकम टू इंडिपेंडेंस ऑफ द थी। आगे आ जाएं जी, आगे चेक कर लेते हैं, लाइन में तो लगना ही है हमने। ये देखो जी, सारे चेक इन की सिक्योरिटी की लाइन है, बिल्कुल जैसे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी होती है। अब हम बंद कर देते हैं, इन्होंने कैमरे मना किए हुए हैं। सर रोहा साहब जी, आखिरकार हम सिक्योरिटी से गुजर गए हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने हमें यहाँ से जाने दिया है और हम जो है इस पर चढ़ गए हैं। लो जी, अब हम ये एंटर हो रहे हैं, और ये देखें आप इसकी साइज़, आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा कि क्या मैसिव ये चीज़ है। अब हमें सातवें डेक पे ले लिफ्ट लेनी और सातवें डेक पे जाना है। ये हम जी शिप पे अब बस कदम रखने वाले हैं। लो जी, हम ये एंटर हो चुके हैं शिप में। वो इस दरवाजे से एंटर हुए हैं, और ये उसका मिडल का एरिया है। अब हमें अपने लिफ्टों पे जाना है, डेक 7 जाना है हमें। अब अभी ऐसा मैंने कोशिश कर रही है, इतना बड़ा ह्यूज चीज़ है कि जाना कहाँ है हमें। अभी यहाँ सेफ्टी ब्रीफिंग होगी और हमें वहाँ सेफ्टी ब्रीफिंग दे दी। लो जी, हम कमरे में पहुंच चुके हैं, ये डेक 7 है, और ये हमें पोर्ट कैनेवरल नज़र आ रही है, और पोर्ट कैनेवरल एक्चुअली सारी यही है, और वो सामने नासा है, नासा के जहाँ से स्पेसशिप उठते हैं। बस अभी खड़े हैं तकरीबन, हाँ वो नासा की बिल्डिंग भी नज़र आ रही है यहाँ पे ना, इस जगह पे नासा की बिल्डिंग ये यहाँ पे है, और वो डिज्नी खड़ा हुआ है, डिज्नी खड़ा हुआ है। काफी छोटे होते हैं इनके कमरे। ये बस ये दो लोगों के लिए बेड है, और अब जो अगर बच्चे किसी ने सोना है तो ये ऊपर से बंक बेड निकलेगा। तो बस ये रूम है, फिर भी ये कि आप ये जो है रूम लेते हैं, इसका जो है ओशन व्यू जो है बालकनी वाला, बालकनी के बगैर भी ओशन व्यू है, और बाकी बस आपके पास टीवी है, ये एक कुर्सी पड़ी है, और टेबल है, एक सोफ़ा पड़ा है। इससे बड़े साइज़ के रूम भी हैं, जितने मर्जी बड़े साइज़ के आप लेते जाएँ। ये बाथरूम है, तो बाथरूम फिर भी काफ़ी रीज़नेबल है कमरे के हिसाब से, और मतलब ये देखिए ना, नीट एंड क्लीन है, टाइलें लगी हुई हैं, और शावर की जगह ज़रा छोटी है, लेकिन हमने कौन सा यहाँ कमरे में बैठना है, हमने तो बाहर ही फिरना है ना जी। तो बस अब हम ऊपर जा रहे हैं, तो पानी हमने फ्रिज में रख दिया है, यहाँ पानी भी ख़रीदना पड़ता है जी। तो बस अब ऊपर चलते हैं जी, अब आपको बाहर दिखाते हैं। ये अब हम जा रहे हैं डेक 11 पे। अगर आप दरमियान से देखें, ये देखें ना, ये शिप का अंदर है जी, सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, पिज्जा शॉप्स हैं, इनके बार्स हैं। Thank you.
11 पे तो खूब फन चल रहा है, लोग अभी से पूल में बैठ चुके हैं और ये मेरे ख्याल अडल्ट पूल है, एक इनका रेगुलर पूल है, एक अडल्ट पूल है। वो देखिए अगर हम नीचे से आए हैं, हाँ ये मेरे ख्याल सिर्फ ओनली अडल्ट्स है, यहाँ पे बच्चे अलाउड नहीं है इस पूल में, वो बच्चों का पूल अलग होगा। ये क्या चीज़ है, फिटनेस सेंटर, लेट्स गो टू द फिटनेस सेंटर। ये क्या है जी, ये वो जिम है, ये जिम है, या वी हैव टू गो आउट, दिस इज जिम, वाओ दिस इज द बिग जिम, इट्स अ बिग जिम, लेट्स सी द जिम, इतना बड़ा जिम है, वाह जी वाह, सैर करने आने के बजाय लोग एक्सरसाइज करने में लगे हुए, वाह जी वाह। हमारे एक दोस्त हैं जी रजत साहब, वो हर बात पे कहते हैं वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह, ये तो बिल्कुल वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह वाली बात है। हाँ जी, इतना बड़ा जिम है, कुछ सैकड़ों की तादाद में मशीनें लगाई हुई इन्होंने, तो अच्छा ये आपको बाहर समुंदर नज़र आता रहेगा, वो जी देखेंगे पीछे बैक साइड पे कार्निवल का शिप भी आ रहा है। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, भाई अगर मैं एक्सरसाइज करता होता तो मेरा इतना वज़न क्यों होता, अगर हमें इतना शौक चढ़ जाए तो फिर क्या ही बात है, आह दुआ करें हमें भी शौक चढ़े एक्सरसाइज करने का। चलो अब आगे हम हैं डेक 11, अब बाहर जाते हैं डेक 11 पे, देखते हैं क्या सूरत हाल। अच्छा ये जो टोपी है ना, ये टोपी मैंने इसलिए नहीं पहनी, बाल तो मेरे हैं नहीं, ये देखो ना, आह ये देखो कैसे बाल तो है नहीं, लेकिन वो रोला ये है कि यहाँ पर धूप इतनी है कि अगर मैं टोपी नहीं पहनूंगा ना, तो जब भी मैं क्रूज़ पे टोपी ना पहनूं तो वो इतना बर्न होता है, उसको कहते हैं सनबर्न। वो हम पाकिस्तानी मुल्तानी लोग, उसके बावजूद इतना ज़्यादा धूप और वो समुंदर की रिफ्लेक्शन आ रही होती कि वो सर जल गया जी, पूरी स्किन उतरी सल की, वो हफ्ता 15 दिन दर्द होती रही, बर्निंग होती रही, तो इसलिए अब टोपी पहनी है जी यहाँ पे मजबूरी में, वरना मुझे टोपी पसंद पसंद नहीं है, अपनी गंज ठीक है भजन। तो अब आगे देखते हैं, ये तो इन अडल्ट की जगह, बोले वो जी स्पा में बैठे, ये गर्म पानी है, एक तो ऊपर से गर्मी, ऊपर से बैठ के मतलब 105 डिग्री के पानी में बैठे हुए हैं, है ना माशाल्लाह पागल। यहाँ पे शोर है बहुत ज़्यादा, ये इनका मेन पूल है जो रेगुलर पूल है जहाँ बच्चे भी जाते हैं, वो हमारा वो सिर्फ अडल्ट पूल था। यहाँ तो रश मचा हुआ भाईजान, यहाँ पे खूब ये डेक 11 पे ही है जी इनके खाने का रेस्टोरेंट, जो बड़ा वाला है ना जिस पर लंच होता है, डिनर के लिए अलग जगह है। ये बिल्कुल अभी नया शिप है, मैं पहले नहीं आया इस शिप पे, पहली दफा आ रहा हूँ। ये ऊपर डिनर का रेस्टोरेंट की जगह, रेस्टोरेंट है जी डिनर के लिए। ये भी एक पूरी दुनिया ही है, लेकिन ये कार्निवल वाला ये जा रहा है अभी।
सारे 5,000 लोग एक शिप पे इकट्ठे होंगे तो ऐसी रश होगा। Very special welcome back to all of our Common Anchor members, and for those of you cruising with Royal Caribbean for the first time, welcome to Royal Caribbean International. Now I'd like to give you a quick overview of some of the highlights coming up about the ship voyage this afternoon. Kya Amal kahan hai? All right. 4:15 p.m. up on the pool deck. It's the big sail away party. That starts at 4:15. Hosted by myself. आप देख रहे हैं जान रैम्बो YouTube चैनल। टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।